क्या निगेटिव थिंकिंग आपको बीमार कर सकती है? नकारात्मक सोच से बचने का तरीका क्या है? इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नकारात्मक विचार ये आम प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग आम प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति को आप पूछो कि आपके दिमाग में विचार आते हैं कि नहीं, बोलता हाँ आते ही है। उसमें के नकारात्मक कितने, सकारात्मक कितने, बोले सभी नकारात्मक है, हार्डली पॉजिटिव आते हैं। हमारे दिमाग में 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज आते रहते हैं और उसमें के मैक्सिमम नकारात्मक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक थॉट आते हैं, मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता, छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता करेंगे। मतलब घर में पति जल्दी नहीं आया तो उसके बारे में चिंता, बच्चे जल्दी नहीं आए तो चिंता, बिजनेस चलेगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, बर्थ मिलेगा कि नहीं, बाहर जाऊंगा तो बारिश आएंगी क्या, बहुत धूप लगेंगी क्या, मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता। और फिर वो चिंता जो है वो शरीर के ऊपर बुरा असर डालती है। शारीरिक बीमारी का मेन कारण जो है वो चिंता है। ऐसा बोला जाता है कि चिता एक बार जलाती है मगर चिंता बार बार और रोज जलाती रहती है। चिता और चिंता में यही फर्क है। जब चिंता होती है, जब नकारात्मक विचार होते हैं तो एड्रेनलिन का सिक्रेशन और स्टीरॉयड का सिक्रेशन हमारे बदन में बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है अपने बदन को। और उसमें फिर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, चमड़ी के प्रॉब्लम होना, ऐसे बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम होते रहते हैं। जिसको नकारात्मक विचार आते हैं उनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, डिप्रेशन। नकारात्मक सोच से नकारात्मकता आती है, जैसा डिप्रेशन या उदासीनता आती है। वैसे आत्मविश्वास कम हो जाता है, बहुत स्ट्रेस आता है और उससे मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचती है। तो निगेटिव थिंकिंग से बचना कैसे है? बाहर यदि हमको शरीर में जख्म हो गई तो हम उसको मलहम लगाएंगे, उसको बैंडेज करेंगे, पट्टी बांधेंगे, वो जख्म अच्छी हो जाएंगी। ये निगेटिव थिंकिंग है ना, वो मन को जख्म कर देती है। तो फिर सवाल ये आता है कि पॉजिटिव विचार कैसे लाए, या खुद अपने आप ये नेगेटिव विचार कैसे कम कर सकते हैं, ये समस्या सुलझाना कैसे है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि जब जब नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, तो उसको निकालने का नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं कि हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि 50,000 से 60,000 थॉट्स दिमाग में आते हैं वो आपने लाए? बोलते नहीं, हमने तो नहीं लाया। फिर किसने लाए? बोले ऑटोमेटिक आ रहे। ऑटोमेटिक मतलब किसने लाए? सबकॉन्शियस माइंड ने लाए। फिर आपने यदि वो थॉट लाए नहीं हैं तो आप कैसे निकालोगे? आप निकाल ही नहीं सकते। तभी भी जब जब निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं तो अपने आप से बोलना है कि कट कट कट, एक कंडीशनिंग करना है उसको, या कैंसिल कैंसिल कैंसिल, या स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और हर निगेटिव विचार के साथ एक पॉजिटिव विचार डालने का है। निगेटिव विचार तो ऑटोमेटिक आ रहा है, आपने पॉजिटिव विचार क्रिएट करने का है, तैयार करने का है। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एंट है। एंट मतलब ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, वो ATM है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है। तो उसको निकालने का नहीं विचारों को, वो आ रहे तो आन दो, जब आप उसको निग्लेक्ट करेंगे विचारों को तो वो गायब हो जाएगा। समझे, आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, आपने उसको निगलेक्ट किया, उसको चाय पानी का पूछा नहीं, वो मेहमान सूटकेस लेके आया, अंदर तो आया, आपने जूते पहने और बाहर निकल गए, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो चले जाएगा, बोले मेरे को यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मगर उसकी बहुत खातिरदारी आपने किया तो एक के बदले 2 दिन और रहेगा। तो वो निगेटिव विचारों को पूछने का नहीं, इग्नोर करने का है, और इग्नोर करेंगे तो फायदा होगा, वो गायब हो जाएगी। दूसरा जो है उसमें हिप्नोथेरेपी बहुत काम में आती है। जब आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, बार 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 आप रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन भी फायदा होता है। सुबह शाम मेडिटेशन करो, सुबह शाम हिप्नोटिज्म करो, सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी करो। बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आ रहे, रुक ही नहीं रहे,
और कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स ऑब्सेसिव थॉट जैसे होते हैं कि वही विचार वही विचार वही विचार वही विचार बार 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 आ रहा है, समझ नहीं रहा है, तो फिर थोड़ा दवाई का भी इस्तेमाल करो। दवाई ऐसे सारा है ग्रुप की, हम हरदम देते रहते हैं, दिमाग शांत करने की दवाई देते हैं, जिससे दवाइयाँ देकर विचार कम हो जाते हैं, थोड़े तो विचार शांत हो गए, रिलैक्स लगा आपको दवाइयों से भी, तो फिर फायदा होता है। तो फिर एक बार उसमें से बाहर आ गए तो अच्छा लगने लगता है। तो एक तो मेडिटेशन करो, हिप्नोथेरेपी करो, नहीं फायदा हो तो दवाई लो। नकारात्मक विचार ये कॉमन है, मैं हरदम पूछते रहता हूँ क्या आपको नकारात्मक विचार जो है वो हरदम के लिए पूरे निकालना है अपने दिमाग में से, तो सब लोग बोलते हैं हाँ हमको, सबके हाथ ऊपर। फिर मैं बोलता हूँ कि जो मरघट में सोए हुए हैं, मतलब जो मर चुके हैं, उनको विचार आते नहीं है, बाकी सबको विचार आते रहते हैं। तो चिंता मत करो विचार आए तो, विचार आना ये नॉर्मल है, उसके साथ कैसे जीना वो सीखो, ऑटोमेटिकली वो विचार गायब हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो।